उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वशेष करीम सीता न तोहम राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सीता। बड़े चकित हैं सब लोग कि देखो इन्होंने अभी तक राम जी को शीश नहीं झुकाया, अपने प्रभु पर ध्यान नहीं गया इनका भी। अब इनका ध्यान तो वंदे वाणी विनायक गणेश जी पे और सरस्वती पे गया, शंकर और पार्वती पे गया, फिर ध्यान गया है वाल्मीकि और हनुमान जी पर। तब उन्हें लगा कि सब ऋषियों को प्रणाम हो गया, अब ये सीताराम को प्रणाम करेंगे, युगल सरकार को प्रणाम करेंगे, और इनके जो इष्ट हैं वो युगल सरकार ही हैं, अकेले राम उनके इष्ट नहीं है, उनके इष्ट सीताराम। सिया राम में सब जग जानी, ये ध्यान रखना। उसने ये नहीं कहा कि अकेला राम मैंने सब जगह देखा है। क्या कहता है तुलसी, सिया राम में सब जग जानी। बाकी ज्ञानी तो कुछ और कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उन्हें ब्रह्म दिखता है, खाली ब्रह्म। इन्हें सीता भी दिखी, सिया राम में सब जग जानी। अब ये पहुंच गए वहां वृंदावन में, तो कुछ लोग कहने लगे कि महाराज यहां तो ठाकुर रहता है और ये मुकुंद माधव बनवारी गिरधारी का धाम है, या तो राधा माधव राधा रमन रमण बिहारी बांके बिहारी रसक बिहारी छैल बिहारी सबने एक एक बिहारी रखे हुए अपने सब मठों में मंदिरों में, एक एक बिहारी को वेद बिहारी है, रसक बिहारी है, प्रेम बिहारी है, छैल बिहारी है। एक हमारे कोई परिचित हैं, हमारे शिष्य हैं, हमने उनसे पूछा भाई आपके बिहारी का नाम क्या है, उसने कहा जी आनंद बिहारी। एक बगल में और महात्मा बैठा था, भैया तेरे बिहारी का नाम क्या है, तो बोले महाराज मैं तो वेद मैं वेद अध्यासी हूँ, वेद बिहारी। कित मुरली कित चंद्र का कित गुपियन को साथ, कित मुरली कित चंद्र का कित गुपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। सब कहने लगे कि आप तो केवल राम को ही प्रणाम करेंगे, सीता को यहाँ तो ठाकुर है। तो उन्होंने कहा कि राम कृष्ण एक ही सत्ता है, उभय रूप में एक ही तत्व है, लेकिन आपको यही है तो ठीक है, मैं राम जी का आह्वान कर लेता हूँ और सारे वृंदावन के अथवा ब्रज के आचार्य पंडित योगी साधु सिद्ध मुनि और ज्ञानी बड़े चकित थे ये देखकर, कित मुरली कित चंद्र का कित गुपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। हाथ में धनुष बाण आ गया, इष्ट के प्रति श्रद्धा की बात है।